नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं हूं आनापोसला वेंकटेशम, कांग्रेस कार्यकर्ता तेलंगाना स्टेट से बोल रहा हूं। दोस्तों, ये देश में थर्ड फ्रंट के लिए थोड़े लोग काम कर रहा है, वो लोग पीके डायरेक्शन, प्रशांत किशोर डायरेक्शन में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी, तेलंगाना का मुख्यमंत्री केसीआर जी की मुलाकात होकर मिलजुल कर थर्ड फ्रंट बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। अच्छी बात, ये देश का संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर लिख के रखा, वो संविधान वो फ्रीडम दे दिया है, कोई जो होना है वो बन सकते हैं। मगर उसके अलावा हम देखें तो पिछले सरकार यूपीए का सरकार में ममता बनर्जी रेलवे मंत्री भी बना, इधर तेलंगाना में तेलंगाना का मुख्यमंत्री केसीआर जी कांग्रेस तेलंगाना देने के बाद मुख्यमंत्री बना। मगर ये दोनों मुलाकात होके कांग्रेस को हराने के लिए काम करने के तैयार है। इधर प्रशांत किशोर डायरेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को ये देश का पूरा नेशनल पार्टी स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर कोशिश किया, मगर नहीं, सामने नहीं गए, उसको मालूम पड़ा। तो बाद में क्या करना, कांग्रेस नहीं है बोल के प्रचार करा, ये देश में कांग्रेस नहीं है बोल के थोड़ा पेपर स्टेटमेंट आ जस्ट बात छोड़ दिया। उसके बाद अब इधर आके साउथ में स्टालिन को, उधर आके अखिलेश को, दिल्ली जाके केजरीवाल को फोन कर थर्ड फ्रंट के लिए बातचीत कर रहा है। करना हो करने दो, बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान लिखा ये देश में, ये देश जनता के लिए, ये देश पूरा के पूरा देश, ये देश का जनता आगे बढ़ने के लिए। 1927 15 अगस्त को आज़ादी आने के बाद ये देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर लास्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, वीवी नरसिम्हराव हो, इधर मनमोहन सिंह हो, पूरे के पूरे प्रधानमंत्री काम करा है देश के लिए। कितना कितना काम करा, आज़ादी आने के बाद ये देश में क्या था, ये देश का खाने के लिए हालत कैसा था, एजुकेशन का हालत कैसा था, ये देश में प्रोटेक्शन कैसा था, वो पूरे के पूरा मिलकर ये देश संविधान के विश्वास, संविधान के ऊपर विश्वास करके ये देश आगे बढ़ा। दोस्तों, हम देख रहे हैं ये 10 साल से, करीब करीब 8 साल खत्म हो गए, ये 8 साल में कितने बार सिलेंडर रेट बढ़ गए, कितने साल पेट्रोल रेट, कितने बार डीजल, कितने बार तरकारियाँ रेट बढ़कर आ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे, बेरोजगारी बढ़ रहा है ये देश में, ये देश में पूरे के पूरे जनता प्रॉब्लम में है। क्यों बोले तो इकोनॉमिकल स्टेटस पूरा डाउन हो गए, पूरा अंदर हो गए, ये प्रॉब्लम, ये मुश्किल दिन हम जीत रहे हैं, ये जीत में ये जीवन चला रहे हैं हम लोग। इसमें यूपीए गवर्नमेंट में ममता बनर्जी जी रेलवे मिनिस्टर भी बना था, ये तेलंगाना आने के बाद केसीआर भी चीफ मिनिस्टर बन गए।
वो पूरा बात छोड़कर अब कांग्रेस नारे के हराने के लिए इन लोग काम कर रहे, ये लोग सामने नहीं गए। तीसरा प्रिंट काम बाज रख के आप 4-5 मुख्यमंत्रियाँ एक टेंट के अंदर 2 दिन भी नहीं रह सकते। कौन बनते प्रधानमंत्री नहीं मालूम, कौन बनते उपप्रधान नहीं मालूम नहीं है, मगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने तो उप प्रधानमंत्री कौन बनता? उप मुख्यमंत्री केसीआर बने तो स्टालिन तपले मार के बैठते क्या? ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ये देश में ऊपर से नीचे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक जिला में, हर एक स्टेट में, हर एक राष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। ये देश का जनता सोच रहा है कांग्रेस जिताने के लिए। यह आने वाले मुकाबले में कांग्रेस ने जिता के कांग्रेस प्रधानमंत्री बनकर ये देश को अच्छे तरीके से पालन कर ये देश का एम्पावर, ये देश का बिजली, ये देश का इकोनॉमिक स्टेटस पूरे के पूरा दुनिया के लेवल करके ये अच्छा तरीके से ये देश को आगे बढ़ाने के लिए देश का पूरा जनता सोच रहा है। ये होता 100% हो सकता है। आने वाले मुकाबले में कांग्रेस पार्टी 100% इज गोइंग टू फॉर्म। मैं पूर्व के पूर्व जय देशवासियों से, ये देश जनता से, ये देश का नौजवान से मैं विनती कर रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी का नौजवान राहुल गांधी अध्यक्ष में, अध्यक्ष के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। नौजवान राहुल गांधी एडवाइज में हम जाना है। ये कांग्रेस पार्टी की आगे बढ़कर ये देश में कांग्रेस पार्टी जीता कर ये देश के अच्छा पालन लाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये संविधान के प्रोटेक्शन करने के लिए नौजवान पूरा पूरे के पूरे दुनिया का नौजवान आगे बढ़कर ये देश का संविधान, ये देश का पूरे के ईच एंड एवरीवेयर प्रोटेक्शन करने के लिए हम तैयार रहने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।